जो ग्रुप था दिल्ली का वो चेकआउट हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ जिप लाइन करने। और जिप लाइन का थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। वैसे तो जिप लाइन की है लेकिन 300 मैं जा रहा हूँ बस ऊपर, और आपको दिखाता हूँ कि जिप लाइन किस तरीके से हो रहा है। भाई ब्रेकफास्ट में क्या है? ऑमलेट तेरा भाई खाता नहीं यार, नॉन वेजिटेरियन है नहीं। जिप लाइन कर लेते, तुम्हारे को तो आदत पड़ी होगी, जिप लाइन तुमने कर ली होगी कई बार है ना। तो मिलता हूँ आपको जिप लाइन वाले स्पॉट में, फिलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ। अभी करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके की नहीं, वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल तो जिप लाइन में पहुँचने वाला हूँ, बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं खुद भी जिप लाइन करूँगा तो भी मैं वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल अभी हमारे गेस्ट गए हुए, वो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो जहाँ से स्टार्ट होता है जिप लाइन, वो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा। पहले गेस्ट को करा देंगे और उसके बाद मैं करूँगा। पानी का फ्लो देखो क्या जबरदस्त है। हो गया लोग जिप लाइन, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया, बहुत मजा आया। ओके बढ़िया। किसका वेट क्या हो गया, कौन आ रहा है? अच्छा तो देखो वहाँ से भाई आ रहा है, ये आ रहा है और मैं आपको दिखा देता हूँ और किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये कौन सा स्टाइल है, कमांडो है? तो मैं जाता हूँ, मेरे को करा दो भाई और साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे दो कि जब भी जिपलाइन करे किस चीज़ का ध्यान रखे और किस चीज़ का नहीं, ये आपको बताना है। तो मेरे को तैयार कर दो फिलहाल। हाँ हाँ मेरे को तो यहाँ भेजा। ओह यार भैया भैया मैं नहीं जा सकता यहाँ से वापस। अरे यार भैया ने बोला जहाँ चल जाए यार, विनय भाई ने बोला जा नहीं सकते ना, कोई चांस नहीं है। अगर वहाँ से रोप खींचते तो हो सकता था, अगर यहाँ से रोप खींचते ना उधर के लिए तब हो सकता था। अच्छा अभी है कोई वहाँ? चलो भैया इंस्ट्रक्शन दे दो फिर। ये देखो जी हमारे इंस्ट्रक्टर साहब, और आपको बताएंगे कि जिप लाइन करने का सबसे बढ़िया तरीका किस चीज़ का आप ध्यान रखें, किस चीज़ का आप ध्यान ना रखें। तो सबसे पहले आप भी आ जाओ गुरु जी और आप बता दो जितने भी विजिटर्स हैं जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मैं फ़िलहाल आपसे जिप लाइन का चाहूँगा। तो ज़्यादा सबसे पहले जिप लाइन के बारे में बताओ, फिर उसके बाद जब आदमी स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे करना है, और जब आप लोग करा रहे हो तो किस चीज़ का ध्यान रखें वो मेंशन करो सबसे पहले। जिप लाइन तो सर ये नॉर्मल एक एक्टिविटी है, ठीक है, किसी की मॉडिफाइड मतलब ये समझ लीजिए। हाँ हाँ ओके एक्टिविटी है ये। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना सर कि जो जैसे हम लोग जिप लाइन करते हैं जी, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं हम लोगों के, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं, मतलब हाई होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। इसके लिए कि मतलब जैसे ये इसको बोलते हैं हम लोग कैराबिनर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कैराबिनर बोलते हैं, इसको कैराबिनर बोलते हैं, ये कैराबिनर है। और ये जो आपने पहना है इसको बोलते हैं हार्नेस, दिस इज अ हार्नेस। हार्नेस तो हर चीज में यूज होता है, इसका रोल तो हर एक्टिविटी में है हार्नेस का, हार्नेस के बगैर तो है नहीं, क्योंकि सपोर्ट ही मेन यही है हार्नेस, ठीक है। तो जैसे ये हमारा कैराबिनर आ गया, कैराबिनर, और ये ट्रैक पुली आ गई, ये क्या ट्रैक पुली सर, ट्रैक पुली, इसमें व्हील होते हैं, ठीक है, जो आपके वायर पे, हाँ ये व्हील गोल गोल टायर जो घूम रहे हैं वो इस पे लगेंगे जाके, ठीक है। ट्रैक ट्रैक व्हीलर, ट्रैक पुली, ये है ट्रैक पुली और ये कैरी कैराबिनर, कैराबिनर, ठीक है, है। सोचा बैठ के बात करता हूँ आप लोगों से। तो फाइनली आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, और जिन जिन को मैंने रिकमेंडेड किया है इस ऐप से, जो मेरा लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में जाके ओपन कर सकते हो, और बुलबुल ऐप जो डाउनलोड करके भी आप शॉपिंग कर सकते हो, जिनके साथ भी मैंने शेयर किया काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, और जिसको भी मैंने रिकमेंडेड किया वो बोल रहे नहीं बहुत अच्छे कपड़े हैं, मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर पाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग शॉपिंग कर रहे हो और करिए, और सेम चीज़ बोलना चाहूँगा कि इतना इजी है शॉपिंग करना आज के टाइम में कि आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। आज ऑनलाइन हर कोई घर बैठे काम करता है, हर कोई ऑनलाइन बैठे बैठे बंदे सोचते यार क्यों ना हम घर बैठे शॉपिंग करें और दुकान जाना भी ना पड़े,
तो उस चीज़ के मामले में जो बुलबुल ऐप है ना सबसे बेस्ट है, और आप लोगों को यहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि इनफैक्ट मैं खुद भी वहीं से शॉपिंग करता हूँ। और पहले बुलबुल ऐप मुझे पता नहीं था प्रॉपरली तरीके से कि इस तरीके के कपड़े क्या क्या वो आइटम्स रखता है, और मुझे अभी तक मैंने जिस प्राइस में मुझे जो चीज़ चाहिए ना वो उस ऐप में अवेलेबल है, उस साइट्स में वो अवेलेबल है। तो याद रहे बुलबुल ऐप, कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। जो भी मैं वीडियो डालता रहा हूँ मैं हमेशा लिंक शेयर करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, उस पर क्लिक करना है और कपड़े चेक करने हैं, विंटर के कपड़े चेक करने हैं और आगे फॉरवर्ड करना है। बस ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। तो ये अलग अलग सिचुएशन में होता है, जैसे ये खुल भी गया तो अभी इसकी 7 kg है। अच्छा, खुल भी गया तो तभी 7 kg यानी 700 kg कैरी करेगा, 700 kg कैरी कर सकता है अगर ये खुलने के बाद भी। और लोक में 25 kg 2500 kg। ओके, 2000 kg कैरी करेगी, ठीक है। और जो रोप होती है, जो जैसे ये रोप है नॉर्मल, इसको बोलते हैं डायनेमिक प्लस क्लाइंबिंग, ठीक है, क्लाइंबर लोग यूज करते हैं। छोटे मोटे बॉडी का जो जर्क उसको भी ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो इसकी जो बेड कैपेसिटी है वो होती है 2500 kg से लेकर 3500 kg सिंगल। अच्छा, लेकिन हम लोग डबल सिटी इसमें आते हैं, डबल सेफ्टी पे, डबल सेफ्टी पे, डबल होगी तो कॉमन सी बात है 5000, ठीक है। अब मुझे सेफ्टी बता दो आप। और ये हार्नेस हो गया ना सर, आप ये हार्नेस हो गया, तो इसका वेट कैपेसिटी जो ये आई हो ना, इसकी वेट कैपेसिटी होगी 500 kg इस हार्नेस होता है, क्योंकि हार्नेस की आगे से क्या नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है, पीछे से फ्लेक्सिबल है, तो जब आप राइड करते हो ये चेयर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, चेयर में कन्वर्ट हो जाता है जब आप राइड करेंगे। तो अब सेफ्टी बता दो, क्या क्या होनी चाहिए, कैप रूल्स बता दो, रूल्स सर। जब आपने उसको चलाना जी, आपका हाथ रहेगा। इसके ऊपर रहेगा, इसका नाम जो आपने बताया ट्रैक पुली और कैराबिनर, हाँ कैराबिनर और ट्रैक पुली, ट्रैक पुली के ऊपर जो है आपका हाथ रहेगा यहाँ पर जब भी आप जिप लाइन करेंगे, ठीक है, राइट। दूसरा हाथ आपका इधर नीचे होगा, ठीक है, दूसरा हाथ आपका यहाँ पे होगा, रोप पे होगा, ठीक है। और जैसे, ठीक है, जैसे आपने बैठना ऊपर से आना है, ठीक है, तो एक बार डेमो दे के बता दो मेरे को, चलो वहीं जाके डेमो दे देते, चलो एक बार कष्ट है आपको, डेमो मिल जाएगा, ठीक है भैया, क्यों भाई क्या बोलते हैं, है ना, चलो फिर डेमो ऊपर होंगे। तो हम जा रहे हैं इंस्ट्रक्टर के साथ, मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ जिस तरीके से जिप लाइन मैंने पहले ही की है, जिप लाइन लेंगे 305 मीटर की जिप लाइन मैं पहली बार कर रहा हूँ, और भैया के साथ जा रहा हूँ मैं जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। वॉकी टॉकी का फ़ायदा ये है कि पता लगता है कि आदमी हमने यहाँ से छोड़ दिया है, वहाँ पकड़ लो, वो हमारा कौन सा वो लैंड है ना, वो लैंड नहीं है, वो क्या चीज़ है वहाँ जहाँ से शुरुआत होती है। ये वॉकी टॉकी का तो रोल बहुत बड़ा है ना, क्यों? तो भैया फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहां पहुंचना था, यहां से मैं जिप लाइन करूँगा और आपको बताऊंगा, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, रूल्स क्या क्या है, सांसें फूल गई भाई। तो भाई यहीं से शुरुआत करेंगे? हाँ जी सर। अच्छा, पहले बनाएंगे हार्नेस है? हाँ जी सर। ठीक है, लो जी पहले बना रहे भाई हार्नेस, देख लो। अगर आप लोग एडवांस में ये चीज़ लेके चलोगे ना, कहीं भी एडवेंचर एक्टिविटी करोगे बंदा खुश हो जाएगा, बोले इनको तो पता है, इनको तो नॉलेज है कि इसको हार्नेस बोलते हैं, इसको पुल्ली, ट्रैकर पुल्ली। सर हमारा ये आ गया सीट हार्नेस। सीट हार्नेस, ठीक है। पहले हमने इसको पहनना है। पहले इसको हमने पहनना है, ये राइट, राइट, ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट, लेफ्ट, ये पहन लिया, ओके। तो ये हमने अब हार्नेस, सीट हार्नेस हमने पहन लिया, और इसकी ये जो चीज़ है ये आगे रहेगी जिसमें हम कैरी करेंगे, इसको बोलते हैं हम आई होल, इसको बोलते हैं आई होल, क्या बोलते हैं, आई होल, आई होल। अच्छा, आई होल, ओके, आई होल, आई वही ना आँखों वाला, आई होल, आई होल, आई होल, ओके। लो जी मैं रेडी हो चुका हूँ, और ये हो गया टाइट, ये आ गई हमारी रोप, इसको बोलते हैं हम कैराबिनर और ट्रैक पुली, ट्रैक पुली ना, हाँ, इसको बोलते हैं ट्रैक, हाँ, कैराबिनर और ट्रैक पुली, ट्रैक पुली, ट्रैक पुली, ठीक है, कैराबिनर और ट्रैक पुली डालेगा आई होल में, ऐसे आई होल में, ठीक है, उसके बाद इसको अंदर से लेंगे, अंदर से लेंगे सर, ठीक है। और ये रस्सी जो है ना भाई, लाइनोन, लाइनोन, नाइलोन, लाइलोन फाइबर मिक्स,
नाइलॉन फाइबर मिक्स, नाइलॉन प्लस फाइबर, फाइबर मिक्स, ओके अच्छा ठीक है, ये मैंने पकड़ लिया वैसे। और सेफ्टी सबसे पहले हेलमेट, हेलमेट ठीक है, हेलमेट आ नहीं रहा ना, सिर बड़ा है, छोड़ना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और वायरलेस हम लेके आ गए, वॉकी टॉकी, अच्छा ही डालना है तो उसको मैं हाथ में छोड़ दूँ ना उसको, ठीक है। अच्छा मैं एक्चुअली इसको ग्लव्स बोल रहा था, इट्स नॉट अ ग्लव्स, इसको बोलते हैं मिटन, मिटन मिटन बोलते हैं इसमें, ग्लव्स होते हैं जिसमें पांच उंगली आती है, और ये है मिटन। इसमें आता है सिंगल थंब आएगा, सिंगल थंब, अच्छा ये देखो भाई सिंगल थंब आएगा इसमें, जैसे बतख होती है ना आगे से मुँह। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर लैंड पॉइंट पे, हम लोग आ गए, अच्छा जहाँ हम लैंड करेंगे। ये देखो जी लैंड पॉइंट, और मैं तैयार हो चुका हूँ, अभी दिखाता हूँ भैया, भैया फ़ोन पकड़ेंगे फिर मैं आपको। कैराबिनर ना, ट्रैक पुली, ट्रैक पुली, ट्रैक पुली, हाँ पहले आएगा ट्रैक पुली, इसके बाद आएगा कैराबिनर, ठीक है, लॉक करेंगे, लॉक करना पड़ना, हाँ लॉक हो गया, ठीक है ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं उसको, मिटन, मिटन। तो मैं तैयार हूँ, और एक हाथ मेरा इसके ऊपर रहेगा, हाँ जी ठीक है भैया, और दूसरा हाथ इधर, और ठीक है। तो मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ, फिलहाल मैंने बता दिया मुझे वहाँ पर जाके लैंड होना है, ठीक है, और मैं लैंडिंग पॉइंट पे, ठीक है, और मैं तैयार हो चुका हूँ, और डर नहीं लग रहा, डर एक्चुअली डर इसलिए लग रहा है कि 320 मीटर की है, अरे 320 मीटर है भाई, 305 बोल रहा हूँ मैं, ये 320 मीटर की है। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है, और वीडियो भी बनाता रहूँगा, तैयार, रेडी, ठीक है। फेस आपने हल्का सा ऐसे, फेस जो है ना आगे नहीं करना, इसमें वेट नहीं डालना, एक मिनट, फेस आपने थोड़ा पीछे ऐसे रखना है, अच्छा ऐसे, फाइनली लैंड हो गया, और हवा टाइट बहुत हुई है भाई, और एक 320 मीटर की ये जिप लाइन है, और एक ना करे भाई, जो कर सकता है वही करे, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे, ऐसा रिस्क ना ले। तो मैंने अपने ऊपर रिस्क लिया था, और इन्होंने, तो ये मेरा रिस्क था एक हाथ से फ़ोन पकड़ना, ये संजेश नहीं करते भाई जिप लाइन की, क्योंकि 320 मीटर की जिप है, कोई बच्चों वाली जिप लाइन नहीं है कि 10 मीटर 15 मीटर है, 320 मीटर की जिप लाइन है। भाई ने पहली में से बाउंड प्लग करा दिया था कि भाई फ़ोन और हाथ आपकी जिम्मेवारी है, हमने जो सेफ्टी देनी थी, हार्नेस वगैरह जो हेलमेट वगैरह वो हमने लगा दिए, अब आपका रिस्क है, तो भाई ने मेरे से पहली सिग्नेचर करवा लिए थे, ठीक है। तो ऐसा रिस्क ना ले, मैं ये संदेश करूँगा आपको, और फिलहाल अभी यही है, बहुत मज़ा आया, थोड़ा सा हाथ में भी दर्द हो रही है वीडियो बनाने के चक्कर में ना, तो फिलहाल अभी मिलता हूँ आपको, थोड़ी देर ब्रेकफास्ट करना है मुझे, विनी भाई के पास जाना है, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, और भाई ठीक है, इनके पास जिप लाइन जरूर करनी है, बहुत अच्छी जिप लाइन कराते हैं, मस्त, मैंने पहली बार करी 320 मीटर की, मैंने आज तक नहीं करी है, सच बोल रहा हूँ, हवा टाइट तो बहुत हुई, लेकिन चलो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर। तो टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, और मैं कैंपिंग करा के आ चुका हूँ दोबारा से सड्डू भाई के पास, और हम लोग बना रहे हैं पुलाव, सड्डू भाई पुलाव का नाम दे रहा है, ये नहीं पता कौन सा दे रहा है भाई, और आई उन्होंने सेम टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, हम दोनों ने, और उन्हें मैचिंग वैचिंग करते हैं, सड्डू भाई बोलता है तो मेरा सड्डू नहीं, तो मेरा भाई है, मेरा भाई है, सुना तो नहीं किसी ने, सुनना भी नहीं, ऐसी चीज़ सुनते थे गंदे बच्चे होते थे, सुनते ब्रो, सड्डू मेरा भाई, सड्डू और आप इकट्ठे हो गए ना, आज हम पुलाव बना रहे हैं, और सड्डू भाई ने पुलाव को कुछ नाम दिया है, और मैं जानना चाहूँगा कि भाई क्या नाम दिया, क्या नाम दिया पुलाव को, कौन सा पुलाव, सेंटी पुलाव का मतलब, सेंटी पुलाव का मतलब कुछ नहीं, सेंटी पुलाव बनाया हुआ है, और बोल रहे भाई चलो आज दोनों भाई बनाते हैं, तो अदरक का पेस्ट जो है मैंने रेडी कर दिया है, ठीक है, ये देखो मेरा ये काम है भाई, जो है चॉपर, ये देखो इधर तैयारी चली हुई है, भाई बोल रहे कि गाजर को इस तरीके से काटा है ताकि बच्चों को ना पसंद नहीं है कि उसमें गाजर हो या फिर उसमें शिमला मिर्च हो, तो बंदों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो भाई ने इस तरीके से चॉप किया, उसको जैसे सूप में डालते हैं ना, सूप की ऐसी फिनिशिंग होती है ना,
बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करके, तो वाइट ने बिल्कुल वैसे ही दे दिया है। बैक कमरा करके दिखाता हूँ।